चलन, चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस। So, what's up guys? कैसे रहे हैं आप लोग? मस्त। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप किसी भी मूवी के सीन से हीरो को कैसे हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, कुछ इसी तरीके की वीडियो आप बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आओ, एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आओ, क्योंकि यार मैं कुछ दिनों से यूट्यूब से रिलेटेड भी वीडियो बना रहा था अपने चैनल पे। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना इस बार एक एडिटिंग की वीडियो डाली जाए, अगर आपका उस पे जो है वो रिएक्शन अच्छा होगा, आप लाइक और व्यूज अच्छे आएंगे, तो फिर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई जाएगी। क्योंकि यार इस टाइम पे अभी आप देख रहे हो चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, तो यार दबा के एक लाइक कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। सपोर्ट करोगे तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। तो कैसे किसी भी मूवी के सीन से आप हीरो को हटा सकते हो, या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को हटाना हो आपको हटा सकते हो, वो आज की इस वीडियो में आप जानोगे। तो यार आपको मूवी सीन्स मिलेंगे कहाँ? तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहां पे सर्च बार पे चले जाना है। जाने के बाद वहां पे आपको सर्च कर लेना है मूवी सीन्स या फिर सनी देओल मूवी सीन्स, तो आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और कुछ इस तरीके से एडिटिंग करके अपनी वीडियो बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बता दूं कि कोई भी अगर आप वीडियो एडिट करोगे, एडिट करना चाहोगे, तो वो एक ही स्क्रीन पे होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपने देखा मैंने जो वीडियो एडिट किया है उसमें सनी देओल साहब और जो है वो अमरेश पुरी साहब एक ही स्क्रीन पे हैं, एक ही फ्रेम पे हैं, तो मैंने उनको गायब कर दिया। अगर ऐसा होगा कि जैसे कि वो बंदा दूसरे फ्रेम में है, वो बंदा दूसरे फ्रेम में है, तो भी आप गायब कर सकते हो, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर एक फ्रेम पे रह गए। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई है इस पे कि आप जो है वो हीरो को कैसे गायब कर सकते हो, और उस पे आपका बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक सेकंड पार्ट बनाया जाए और अच्छे से समझाया जाए। तो गाइस आपको एक फ्रेम चाहिए होगा, जो कोई भी सीन हो, आपको कोई भी सीन उठाना है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि वो एक ही फ्रेम में होना चाहिए। जैसे कि ये डायलॉग आपने देखा 2.5 किलो का हाथ वाला, उसमें अमरेश पुरी साहब और सनी देओल साहब जो है वो एक ही फ्रेम में है, तो ऐसी वीडियो आपको उठानी है। तो चलिए बहुत ज्यादा बकवास कर लिए, मैंने आपको एडिट कैसे करना है सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक का नाम है काइंड मास्टर, दूसरे का नाम है रिटचिंग ऐप, मतलब कि फोटो रिटचिंग ऐप। तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, दोनों एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब बताता हूँ कि आपको इस तरीके की वीडियो को एडिट कैसे करना है, जाके देखो वीडियो। सो गाइस आपको अपने फोन में कुछ इस तरीके से काइंड मास्टर को ओपन कर लेना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपने जो सीन डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको सिंपल से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ये वाला रेशियो सेलेक्ट करके 16:9 वाला सेलेक्ट करके यहाँ से आपको जो है वो मीडिया पे क्लिक करके आपको अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है, जो भी आपकी वीडियो वो उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट कर रखी है जो हमें सीन को एडिट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, सिंपल से अब यहाँ पे इस सीन का एक बैकग्राउंड यहाँ पे आपको चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीन है इसका एक आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो सिंपल से आपको ये बैकग्राउंड मिलेगा कहाँ से? तो सिंपल से आपको करना है क्या है कि आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें काम करना है, उसके बाद हमको इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, सिंपल से यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये साइड में दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है कैप्चर एंड सेव, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो फोटो आपको दिख रही है ये आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगी, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यहां पे आपको इस पोजीशन पे आके एक इस पोजीशन का एक स्क्रीनशॉट लेना है। सिंपल से आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक करके यहां पे कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहां पे आपको करना क्या है, सिंपल से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया है इसको हमें एडिट करना है। तो सिंपल से आपको चलिए लेके चलता हूँ मैं उस एप्लीकेशन में, और आपको क्या करना है कैसे करना है मैं वहीं पे बताता हूँ, फिर आके हम वापस
काइन मास्टर में एडिट करते हैं। सिंपल से आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका नाम पढ़ लीजिए अच्छे से, इसका नाम है पिक्सल रीटचिंग। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपल से आपको इसको ओपन कर लेना है और जो अभी आपने कैप्चर किया स्क्रीन शॉट उसको ओपन कर लेना है। सिंपल से यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर लेना है, ऑब्जेक्ट रिमूव दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फोल्डर का जितना भी फोटो होगा वो आ जाएगा। अब सिंपल से जो स्क्रीन शॉट है उसको आपको ले लेना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ब्रश दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है, उसके साइज को अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेना है। और उसके बाद सिंपल से आपको जहाँ जोन सा आपको ऑब्जेक्ट गैप करना है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके जल्दी से इसको ऐसे ब्रश को मार देना है इस रेड वाले को अच्छे तरीके से। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो अच्छे तरीके से मार के यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। सिंपल से ये जो गो वाला बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा स्क्रीन शॉट में से। बस आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इस वाले स्क्रीन शॉट को आपको सेव कर लेना है ऐसे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये सेव हो चुका है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा स्क्रीनशॉट है कुछ इस तरीके से हमने सनी देओल जी को गायब कर दिया है। अब आपको इसी तरीके से जो दूसरा वाला पोजीशन है फोटो का उसको भी गायब कर लेना है। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं काइन मास्टर के अंदर। अब हमको वहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको फिर से काइन मास्टर के अंदर आ जाना है और अभी जो हमने फोटो को एडिट किया है, जो बैकग्राउंड को हमने एडिट किया है, कुछ इस तरीके से आपको अपने बैकग्राउंड को एडिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, इस सीन को अब एडिट करना है जो हमने सनी देओल को फोटो में हटाया। अब आपको सिंपल से उस फोटो को इसमें इंपोर्ट कर लेना है इस वाले सीन में। तो सिंपल से आपको इंपोर्ट कैसे करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर चले जाना है और जो फोटो अभी हमने एडिट करी है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं उस वाले फोटो को इंपोर्ट। तो यहाँ पर हमने फोटो को कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। अब आपको सिंपल से इस फोटो को कुछ तरीके से जूम कर लेना है कि आपके फ्रेम में फिट हो जाए। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से फिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। यहाँ तक आप क्रॉप कर लेना है। उसके बाद सिंपल से ये मास्क का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको इनेबल कर देना है और इस फेदर को आपको आगे तक बढ़ा देना है, 20 पॉइंट तक रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इस लेयर को खींच कर इस वाले सीन तक जब तक दूसरा पोजिशन ना आ जाए वहाँ तक लेके आना है। तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं यहाँ तक। अब सिंपल से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारा सीन जो अभी बना हुआ है वो कैसे बना है। तो देख लीजिए यहाँ पे। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो हमारा सीन है वो एडिट हो चुका है। अब हम दूसरे वाले सीन को एडिट करते हैं। तो सिंपल से आपको इस वाले पोजीशन पे आना, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो ये सीन यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से। अब सिंपल से आपने जो इसका स्क्रीनशॉट लिया था और एडिट किया था अब उसको भी इसमें इंपोर्ट कर लो। तो सिंपल से फिर से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर उस वाले स्क्रीनशॉट को जो हमने एडिट किया था रिमूवल बीजी वाले से, पिक्सल रिमूवर से, पिक्सल रिटचिंग से, उसको भी इंपोर्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से इसको भी जूम कर लेना है फ्रेम के बराबर में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से क्रॉपिंग पे चले जाना और यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मास्क को इनेबल कर देना है और फेदर को थोड़ा सा 20% तक कर देना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देना है यहाँ तक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपल से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद सिंपल से इस लेयर को भी आपको एंड तक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वाला सीन भी हमारा एडिट हो चुका है, देख लो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से जो हमारा हीरो है वीडियो में से गायब हो चुका है। तो कुछ इस ट्रिक की मदद से आप हीरो को गायब कर सकते हो। अब आपको इसके अंदर आना कैसे है, इस वीडियो के अंदर आना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो गाइज अब उस वाले सीन में आपको आने के लिए करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको एक वीडियो शूट करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे अपने चारों तरफ ग्रीन कलर का पर्दा लगा देना है। अगर आपके पास ग्रीन कलर का पर्दा नहीं है तो आपके पास नीला पीला कुछ भी हो आपको उस कलर का पर्दा लगा लेना है अपने पीछे, लेकिन वो प्लेन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे फोन में सेम डायलॉग प्ले करके उस पर लिपसिंग करते हुए कुछ इस तरीके से एक्टिंग कर लेनी, जैसे कि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, आप देख सकते हो। सो गाइज कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिपसिंग कर लेनी है, एक्टिंग कर लेनी है और सेम दूसरे पोजीशन में आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस पोजीशन में दूसरे वाले डायलॉग को दूसरे फोन में प्ले करके आपको ग्रीन स्क्रीन के सामने इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो
सो गाइज यहाँ पे आप देखते हो मैंने कुछ इस तरीके से एक्टिंग की हुई है, तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, तो काम चलाऊंगा आपको समझाने के लिए किया है, तो माइंड मत करना। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मुझसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। अब इस वीडियो को एडिट कैसे करना है, उस वीडियो के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है, वो जहाँ पे अमरेश पुरी साहब हैं उसके बगल में कैसे लगाना है, वो अब बताने वाला हूँ। लास्ट पार्ट है, वीडियो को देखते रहो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, लाइक कर दो यार, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है तुम्हारे भाई को, तो कर दो। तो चलिए अब इस बारे में मैंने बता दिया कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, अब आपको सिंपल से उस सीन को फिर से काइन मास्टर में इंपोर्ट कर लेना है, और अब वहाँ पे क्या करना है बताता हूँ आपको। सो गाइज जो हमने एडिट किया था सीन को, उस सीन को आपको कुछ इस तरीके से काइन मास्टर के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से अभी जो हमने वीडियो शूट करी थी उस वीडियो को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और जहाँ भी आपने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई उस रिकॉर्डिंग को आपको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है, और अब जहाँ से आप डायलॉग बोलना स्टार्ट करोगे वहाँ से आपको ले लेना है। तो सिंपल से यहाँ से हम बोलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे खिलौने। सो गाइस सबसे पहले ऊपर वाली लेयर पे आपको क्लिक करके उस सीन के जो मेन सीन है उसका साउंड बंद कर देना है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप लिपसिंग कहाँ से करना स्टार्ट करते हो डायलॉग की। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, चिल्लाओ मत। तो सिंपल से यहीं से आपको करना क्या है, जहाँ से आप बोलोगे चिल्लाओ मत वहीं से आपको एक कट करना है कुछ इस तरीके से, ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड। आपको सिंपल से करना क्या है, कुछ नहीं करना, उस पोजीशन पे लेके आना है और इसके लेयर के ऊपर क्लिक करना है, सीजर पे चले जाना और ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड कर देना है। करने के बाद सिंपल से आपको करना क्या, कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखोगे तो ये मूव होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको खिसका के आगे की तरफ लेकर आना है इस पोजीशन पे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। अब यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इधर जाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा रोटेट एंड मिररिंग, इसके ऊपर क्लिक करके मिरर कर देना है, इस साइड इसका फेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग पे जाना है, थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, अगर आपका कहीं साइड में दीवार उवाल दिख रही हो या फिर कुछ फालतू का ऑब्जेक्ट दिख रहा हो तो क्रॉप कर लेना है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आपको सिंपल से नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ पे क्रोमा की दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने कर लिया, ये देखिए ये ऐसे, और यहाँ से ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने एडिट कर लिया है ये। अब आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके जिस पोजीशन पे सनी देओल जी थे उसी पोजीशन पे आपको लगा देना, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा ये जो सीन है कैसे क्रिएट हुआ है। तो देखिए, सो गाइस यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से हमारा ये सीन क्रिएट हो चुका है। अब ज़्यादा प्ले करूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से आपको ये इस सीन में ऐसे आपको अपने आप को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपल से अब आपको दूसरे वाले सीन को इसमें इम्पोर्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से ये वाला सीन आता है, तो सिंपल से इस पॉइंट पे लेकर आना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके कैंची वाले ऑप्शन पे चले जाना और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर देना है। करने के बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है और यहाँ पे आपको अब इस पोजीशन पे लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पोजीशन पे लाने के बाद सिंपल से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपने जो दूसरे पोजीशन में वीडियो को रिकॉर्ड किया था इसमें इंपोर्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इंपोर्ट किया था, जो देख सकते हो। अब आपको सिंपल से करना क्या है, ये इस पोजीशन पे लेके आना है और यहाँ पे सिंपल से इस तरीके से ट्रिम करके मेन पोजीशन पे लेके आना है, फ्रंट वाले पोजीशन पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आना है आपको। अब आपको सिंपल से करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे चले जाना है, थोड़ा सा इधर से क्रॉप कर लेना है जो आपका फालतू का ऑब्जेक्ट हो, क्रॉप कर लेना है। उसके बाद इधर से बैक चले जाना है और क्रोमा की पे जाने के बाद आपको सिंपल से इधर इनेबल कर देना है। करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जिससे आपका जो सीन है वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरीके से हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको रोटेट एंड मिररिंग पे चले जाना है और यहाँ पे इधर मिरर कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आप पूरी तरीके से सीन में फिट बैठ चुके हो जहाँ पे सनी देओल जी थे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है और यहाँ पे आपको पीछे करके लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सनी देओल जी की जगह पे आप आ चुके हो पूरी तरीके से और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सीन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब मैं ज़्यादा प्ले नहीं करूँगा, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो हीरो की जगह पे हम लग चुके हैं अच्छे तरीके से। अब आप इसे सेव करके किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड कर सकते हो और एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है और 100% वायरल होगा। तो कुछ इस तरीके से आप हीरो की जगह से हीरो को हटा के खुद ऐड हो सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी जिसपे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, आई होप इस वीडियो पर भी प्यार मिलेगा। तो यार कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना,
ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता ही दिया है। तो बस यार आपको यहाँ से सिंपल से शेयर पे क्लिक करके सेव कर लेना है। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। बाय बाय। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार वीडियो को एक लाइक करके जाना क्योंकि तुम्हारे भाई ने इस वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो एक लाइक कर देना, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।